नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से, पंचायतों से, गांव के गलियारों से और नौकरियों से। कहाँ है शिक्षा के अवसर और कहाँ है रोजगार के अवसर। खबर में अंत तक बने रहिएगा ताकि इसमें हम चुन चुन कर आपके लिए खबरें लाते रहते हैं। पहली खबर हम लेते हैं ग्राम पंचायत से, पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है साप्ताहिक जांच, पंचायतों की साप्ताहिक जांच प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और उसके जांच रिपोर्ट पर ही विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वार्डों और ग्राम कचहरियों को और विशेष पैकेज देने की बात कही जा रही है। वार्ड ग्राम समिति को एक्टिवेट करने और ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए और बड़ा बजट देने का प्रावधान किया जा सकता है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि अब गांव की सरकार जमीन पर दिखने लगी है और पंचायत प्रतिनिधियों को उचित सम्मान मिला है। पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण के चलते महिलाओं का जीवन स्तर बढ़ा है। और वहीं दूसरी खबर हम लेते हैं कि बिहार में अब इमरजेंसी रिस्पांस की बेहतरी के लिए 500 बाइक भी रखे जाएंगे। हम आपको बता दें, कल की खबर में मैंने सूचना दी थी कि जो बिहार में 112 डायल कर हर इमरजेंसी सेवा ली जा सकती है, चाहे वह पुलिस बुलाना हो या अस्पताल से एम्बुलेंस बुलाना हो या कहीं आग लगी हो तो 112 डायल कर सकते हैं, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ कर दिया है। सीएम ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के कंट्रोल सेंटर का किया लोकार्पण। सीएम ने रवाना किया इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहन। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भारी संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है, कर्मियों की व्यवस्था की गई है और खास करके कॉल रिसीव करने के लिए महिला कॉल कर्मियों की भी व्यवस्था की गई है और दूरदराज के इलाकों में पहुंचने के लिए 500 बाइक भी रखे गए हैं। और वहीं दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के लिए 8 से कर होगा नाम ऑनलाइन आवेदन। समाज कल्याण विभाग ने पूरी की तैयारी। बिहार में इमरजेंसी सेवाओं के लिए अब एक ही नंबर 112 जल्द पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। साल के अंत तक राज्य भर में काम करने लगेगा डायल 112। डायल 112 का रिस्पांस टाइम 20 मिनट कम करने की हो रही है कोशिश। ट्रायल के दौरान जून में आए 2127 कॉल, पहले चरण में पटना में 100 और बड़े जिलों में 15-20 गाड़ियां। ऐसी व्यवस्था जिससे घटना की सूचना डीएम और एसपी को भी मिल जाए। और विक्रमगंज के पूर्व विधायक व उनकी पत्नी को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। 2017 में जमीन विवाद में चलाई थी अंधाधुंध गोलियां जिससे एक बच्ची की मौत हो गई थी। और वहीं राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड की आंच अब बिहार में भी पहुंच चुकी है। भागलपुर के असरफी से पूछताछ के लिए एनआईए ने 14 को जयपुर बुलाया है। हत्याकांड से जुड़े संदिग्ध से फोन पर बात किया था। पूछताछ के लिए भागलपुर आ सकती है एनआईए की टीम। और कश्मीर के 2200 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट में पटना समेत 16 जगहों पर सीबीआई का छापा। जम्मू के तत्कालीन राज्यपाल की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस। बिना ई टेंडर के 22,000 करोड़ रुपए को दे दिया था ठेका। और अब मोटर इंश्योरेंस भी हेल्थ की तरह ले सकेंगे। और इधर हम बात करें, मुख्यमंत्री लालू यादव की स्थिति बिगड़ी। बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स के लिए रवाना हुए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएं। और इधर आरसीपी और नकवी ने केंद्रीय मंत्री कैबिनेट के से इस्तीफा दिया। जन्मदिन की बधाई पर आरसीपी ने सबको कहा थैंक्स। 7 जुलाई को खत्म हो गया था राज्यसभा
में आरसीपी का कार्यकाल 2 टर्म राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था करेगी और राष्ट्रपति कोटे से उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और राजीव नगर मामला में अदालत ने स्टे बढ़ाया। हाई कोर्ट ने कहा सारी गड़बड़ी हाउसिंग बोर्ड की, अगली सुनवाई 14 को। बोर्ड के एमडी और डीएम और सीओ को तलब किया गया। हम आपको बता दें कि राजीव नगर में जमीन के लूट में बड़े बड़े अधिकारी से लेकर पत्रकार, जज और पुलिस कर्मी भी शामिल है। जब वहां भवन अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे थे तो किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वहां पर लोग रहने लगे तो अचानक उनके घर को ढहा दिया गया। और केंद्र सरकार ने अवधि घटाई, अब 18 से 59 साल के सभी लाभार्थी 6 माह में ही ले सकेंगे कोरोना के बूस्टर डोज। देश में कोरोना के नए सब वेरिएंट के कारण केंद्र सरकार सतर्क, लिया फैसला। और आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये हुआ महंगा, कीमतें लागू। पटना में अब 1151 रुपये में मिलेगा एक सिलेंडर, 1 साल में 244 रुपये बढ़े दाम, मई से तीसरी और साल में चौथी वृद्धि है। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब रोजगार दिलाने वाले ट्रेंड ही होंगे, यानी 102 के बदले 54 के लिए मिलेगा अनुदान। उद्यमियों को ट्रेंड बदलने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। हम आपको और बता दें इधर की हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़, 6 लोग लापता, एक की मौत। शिमला में भूस्खलन तो मुंबई की सड़कें लबालब। और इधर बिहार के मैं बात करें तो 1,50,000 रुपये छीनकर भाग रहे अपराधी की जमकर हुई पिटाई। और करेंट के चपेट में आने से माँ बेटा व दादा की मौत। पहली जो खबर पिटाई की है वह अररिया जिले से आ रही है, फारबिसगंज से। और यहाँ जो एक खबर आ रही है बेतिया से कि करंट के चपेट में आने से माँ बेटा और दादा की मौत हो गई। लोहे के गेट में करंट आ रहा था, बचाने पहुंचे लोग बिजली की चपेट में आने से बाल बाल बचे। अपराधियों ने 2 सगे भाइयों को गोलियों से भुना, दोनों की घटनास्थल पर मौत। कोटवा मोतिहारी से यह खबर आ रही है, खेलते हुए गड्ढे में गिरा 4 साल का मासूम, डूबने से गई जान। यह खबर आ रही है नावानगर मधेपुरा से। और इधर हम बात करें कि 325 केंद्रों पर हुई बीएड की परीक्षा, 88.14% अभ्यर्थी हुए शामिल। सीईटी बीएड 2022 बाईस में अभ्यर्थियों में महिला और पुरुषों की संख्या महिला की संख्या पुरुषों से अधिक है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी 2018-20 का पंजीकरण जारी, और पीजीडीएम में नामांकन के लिए 15 जुलाई तक करें आवेदन। और इधर स्टार रेटिंग बदलाव में 10% तक बढ़ जाएंगे एसी के दाम। महंगाई मंदी की आशंका से घटी मांग, नहीं होगी रिकॉर्ड बिक्री। और इधर हम बात करें देसी कट्टा के साथ नाच रहे युवक को लगी गोली, घायल। और यह खबर आ रही है जमुई से। और पुनपुन के दोनों प्रॉपर्टी डीलर को मारी गई 2 गोली, फिर 6 लोगों ने गड़ासी से काट डाला। यह खबर आ रही है 2 दिन पहले बनाई थी हत्या की प्लानिंग, मुख्य आरोपी की मां पत्नी दो समेत 4 गिरफ्तार। और पटना राजीव नगर में जो अवैध मकान तोड़े जा रहे हैं उस पर जज ने पूछा इतनी जल्दबाजी क्या थी, रविवार का दिन ही क्यों चुना गया। और रिश्ते का खून हो गया है पटना में, मां को मुखाग्नि देने वाला बेटा ही निकला कातिल, चाचा ने दिया था हथियार, खुलासा हुआ है। पुनपुन में 4 जुलाई को हुई थी हत्या, मां के गलत चरित्र से परेशान था बेटा और उसने चाचा से हथियार लेकर हत्या कर दी। हालांकि बेटा और चाचा दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। और ब्रिटेन में कुर्सी के लेकर बवाल हो गया है, कुर्सी छोड़े जॉनसन, 6 मंत्रियों और 23 सहयोगियों ने सौंपा इस्तीफा। प्रधानमंत्री जॉनसन की कार्य प्रणाली और स्कैंडल का भारी विरोध हो रहा है। और इधर हम बात करें स्टार्टअप ने 6 महीने में ही 11,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला, लागत कटौती पुनर्गठन के नाम पर छंटनी जरूरी मान रहे हैं स्टार्टअप के मैनेजमेंट। ओला अप्रैल में 2100 से को निकाला था और 500 की छंटनी की थी। और पत्नी से झगड़े के बाद पिता ने 4 साल के बेटे को पटक कर मार डाला, रामगढ़ के झारखंड के रामगढ़ से यह खबर आ रही है।
और अच्छी खबर यह है कि प्लास्टिक का विकल्प मिल गया है। प्लास्टिक का विकल्प है मक्का, गन्ना और शकरकंद से बन रही बोतलें, थैलियां 180 दिन में डिकम्पोज हो जाएगी। केंद्र व गुजरात के प्रदूषण बोर्ड ने प्लास्टिक विकल्प की मान्यता दी। तो दोस्तों यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।